हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। 8 फरवरी 2021 से व्हाट्सएप की नई पॉलिसी लागू हो रही है। अब व्हाट्सएप पर आप जो भी सेव एंड स्टोर करेंगे, सेंड या रिसीव करेंगे, वो व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा। कहने का मतलब है कि आप व्हाट्सएप पहले की तरह प्राइवेट नहीं रह गया है, तो लोग अब नए व्हाट्सएप अल्टरनेटिव्स के तलाश में हैं। मैं आपको दो ऐसे व्हाट्सएप अल्टरनेटिव्स के बारे में बताने वाला हूं जो व्हाट्सएप से कई गुना ज़्यादा बेस्ट, सेफ एंड सिक्योर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी अपडेट के बाद से ही सिग्नल एप्लीकेशन का बहुत ही ज़्यादा अब यूज किया जा रहा है, क्योंकि सिग्नल की प्राइवेट पॉलिसी व्हाट्सएप से कहीं गुना ज़्यादा और बढ़िया और बेटर है। इसमें एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन का फीचर दिया गया है, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट या वॉइस मैसेज आप किसी को सेंड करेंगे तो वो यहाँ पर इस तरीके से वो इनक्रिप्ट होके वो सेंड होता है, जो आप यहाँ पे पिक में देख भी रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, ये वो इस तरीके से जो है इनक्रिप्ट होके ये सेंड होता है कोई पिक या वीडियो, यानी कि बीच में कोई भी इसको रीड नहीं कर सकता है। इसका एक डेमो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब भी आप कोई मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो आप उसका जो है एक डेमो इस तरीके से आपको सेंड होके वो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, भी मैसेज कोई सेंड कीजिएगा तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर डेमो दिखा रहा है कि इस तरीके से ये वो डिस्क्रिप्शन में जो हो वो सेंड होके किसी के पास वो जाता है, जो आप यहाँ पर लाइव देख भी रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये जाता है, बीच में इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि आप सिग्नल एप्लीकेशन का कंप्यूटर पर कैसे यूज करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. आप अपने ब्राउजर में टाइपिंग कर दीजिएगा signal.org, तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं। इसके बाद ये डाल के जैसे इंटर कीजिएगा तो आपके सामने में ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर गेट सिग्नल पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड्रॉयड, आई फोन या आईपैड डिवाइस पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आप इसको अपने लैपटॉप विंडो में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए आप यहाँ डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि ये 116 MB का है, जो डाउनलोड हो जाता है। तो मैं इसको आपको ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा सिंगल एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं ओपन होने देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। वो इंस्टॉलेशन होता है तो मैं आपको इसको इंस्टॉल करके आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया या सिग्नल जो आइकन है या आ गया है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है सिग्नल एप्लीकेशन का ये आ गया है। इसको इस तरीके से आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, छोटा बड़ा आप इस तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपको अगला ऑप्शन आ जाता है कि आपको जो है अपने मोबाइल पर भी सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप अपने मोबाइल पर सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तब आपको इसको स्कैनिंग करना पड़ेगा। जब भी जैसे ही इसको आप स्कैन करेंगे तो आपका डिवाइस जो है आपको लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पे आते हैं, वहाँ पर सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। इस वार कोड को हम स्कैन करेंगे, इसके लिए हमको मोबाइल पे सिंगल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप व्हाट्सएप में करते हैं स्कैनिंग, इसी तरीके से आपको इसको भी करना पड़ेगा। चलिए हम अपने मोबाइल फ़ोन में सिंगल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन में सिंगल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको नज़र आएगा। आपको करना क्या है, आप अपने प्रोफाइल में सबसे पहले जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। यहाँ पर आपको लिंक एंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर ओके कर देना है। जितने भी आपके जो लिंक
से जुड़ा रहेगा, इसमें टोटल का टोटल इसमें आपको ऐड हो जाएगा। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, अब इसके बाद अपने डिवाइस के पास जाएंगे और आप अपने डिवाइस पर जो भी जो दे रखा है स्कैनिंग का बार कोड उसको आपको स्कैन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको स्कैन कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए कि ये स्कैनिंग हो गया है और ये स्कैनिंग होकर यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं क्या करूँगा, अब आपको अब करना क्या है, सबसे पहले आपको लिंक डिवाइस पे ओके कर देना है। यहाँ पर ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको जो है लैपटॉप में यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने डिवाइस का नाम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ राजा। इस तरीके से आपको नाम दे देना है, यहाँ से आपको कर देना है फिनिश लिंक्ड फोटो पर क्लिक। इस तरीके से आपका ये सर्चिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फ़ोन जो है सिग्नल एप्लीकेशन के पे आपको यहाँ पे लिंक हो जाता है जो आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल की है। इसको आपको एक बार ही स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा आपको इसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं पड़ती भी है, इसको सिर्फ एक बार स्कैन करना पड़ता है और आप सिग्नल एप्लीकेशन का कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर किसी को मैसेज करना है तो इस तरीके से मैसेज वाले पर जाएंगे, यहाँ पे नोट वाले पर क्लिक करके आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, यहाँ से किसी को मैसेज भी भेज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हाई करके इस तरीके से मैं सेंड कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैसेज चल चुका है। इस यहाँ से जाने के बाद यहाँ से आप कोई फोटो वगैरह भी आप जो है मुझे वगैरह यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से प्लस वाले पर आइकन पर जाके आपको जो भी फोटो वगैरह हो तो इस तरीके से अपने गैलरी में से फोटो वगैरह इस तरीके से चूज करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ से आप कोई भी इमेज कोई भी फोटो का को ऐड करके इस तरीके से आप अगला को सेंड कर दीजिए। चलिए मैं आपको सेंड करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे फोटो ये ऑलरेडी चल गया है और यहाँ देख रहे हैं कि ये आपके नोट्स में ऐड हो गई है। तो यहाँ पे आप ऑडियो वीडियोस और फोटोस बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे जो है सिग्नल एप्लीकेशन में आप किसी को सेंड कर सकते हैं और यहीं से आपको किसी से भी आप चैट भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखा दिया हूँ, इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे हाय और इस तरीके से आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैसेज है, यहाँ पर जा चुका है। तो इस तरीके से आप किसी से भी चैट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में सिग्नल एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए मोबाइल फ़ोन में आपके जो है नेट का यूज होना रहना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि जब व्हाट्सएप एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर चलाते हैं तो उसमें नेट का होना मोबाइल में बहुत ज़रूरी होता है, उसी इस तरीके से यहाँ पे मोबाइल में नेट होना ज़रूरी नहीं है। एक बार आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप बहुत ही आराम से आप अपने डेस्कटॉप पे अपने लैपटॉप पे आप जो सिग्नल एप्लीकेशन का को चला सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। और सिग्नल एप्लीकेशन में अगर आपका मोबाइल का इंटरनेट बंद है तो भी आपका जो है सिग्नल एप्लीकेशन है आपका लैपटॉप में चलेगा, बस आपके लैपटॉप में नेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि देख रहे हैं कि मैं मोबाइल फोन पे इंटरनेट बंद कर दिया हूँ और यहाँ पे मैं लैपटॉप से मैं मैसेज यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो जा रहा है मैसेज, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मैसेज जा रहा है। तो इस तरीके से आपको मोबाइल फ़ोन में जो नेट होना ज़रूरी नहीं है, बस आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में नेट होना ज़रूरी है जब आप सिग्नल एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं। तब सिग्नल एप्लीकेशन में आपको ढेर सारा फीचर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस मैसेज को आप बहुत ही आसानी से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या यहाँ पर जाएंगे थ्री डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि डिलीट मैसेज फॉर इवर, तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर इवर मैसेज को डिलीट कर सकते हैं या डिलीट मैसेज फॉर मी अपने मैसेज को इस तरीके से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारा फंक्शन दे रखा है जो आप अपने जो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी को मैसेज करते हैं तो इस तरीके से थ्री डॉट पर ऊपर जाएंगे, राइट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल जाता है यहाँ पे डिसएपियरिंग मैसेज का। अगर आप किसी पर्सन को मैसेज सेंड करते हैं तो इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितना टाइम तक है जो मैसेज ये रहना चाहिए। इसमें आप इसमें ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, इस तरीके से यहाँ पे 1 वीक तक का इसमें टाइम दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी टाइम आप सेट कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको ऑफ भी कर सकते हैं तो ये हमेशा रहेगा। अगर इसमें आप टाइम सेट कर देते हैं तो इतना ही टाइम तक ये रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइम सेट करके दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर टाइम सेट करता हूँ 10 सेकेंड और यहाँ पर मैं कर देता हूँ हाई, तो इस तरीके से ये 10 सेकेंड तक ही रहेगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे इसका यह टाइम चल रहा है, यहाँ पे 10 सेकंड तक ही रहेगा, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टाइम सेट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे देखिए मैसेज डिलीट हो चुका है 10 सेकंड के बाद। तो इसी तरीके से आप कोई भी टाइम यहाँ पर जाने के बाद इस तरीके से टाइम सेट कर दीजिएगा इस ऑप्शन पर जाने के बाद, तो उतना ही टाइम तक ये मैसेज रहेगा इसमें, और नहीं तो ये ऑलरेडी इसमें से ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा, हट जाएगा।
तो ये जो है आप टाइमर जो यहाँ पर दे रखा है, ये टाइमर आप ये कोई भी कॉन्टैक्ट पे जो पर्सन यहाँ पर दे रख जितने सारे हैं उस सब पे आप यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर टाइमर वो सेट कर सकते हैं और किसी को मैसेज सेंड कीजिएगा तो उतना ही टाइम तक रहेगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली है जो जो भी पर्सन को इसको सेट कीजिएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, या इसको ऑफ कर दीजिएगा तो ये हमेशा के लिए रहवे करेगा, यहाँ से हटेगा नहीं। सिग्नल एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर क्वाट है, यहाँ पर फाइल पर जाइएगा, फाइल पर आने के बाद यहाँ पर आप दे रखा है क्वाट सिग्नल, इस पर जाइएगा तो आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ से आप क्विट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। इसके बाद दोबारा से आप इसको ओपन करते हैं तो आपको इसमें वार कोड को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे व्हाट्सएप वगैरह में पड़ती थी। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर देखिए ये सिग्नल एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कई बार होता है कि मोबाइल फ़ोन पर जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह को जो इसमें लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं तो हमको बार बार जो है वार कोड को स्कैन करना पड़ता है, तो वो जो है सिग्नल एप्लीकेशन में ये जो है नहीं है। तो इसमें बहुत ही शानदार ये फंक्शन दिया हुआ है और ये जो है व्हाट्सएप से कई गुना ज़्यादा बेटर और शानदार ये ऑप्शन है। कई बार होता है कि हमें मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में या लैपटॉप से मोबाइल फ़ोन में कोई फाइल वगैरह सेंड करना होता है तो आप यहां पे सिग्नल एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही आसानी से कोई फाइल कोई फ़ोटो आप बहुत ही आराम से मोबाइल पर से लैपटॉप में या लैपटॉप पर से आप मोबाइल में सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह पर होता है कि बार बार हमको स्कैनिंग करना पड़ता था, वो आपको इसमें जो सिग्नल एप्लीकेशन है इसमें आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हमें कोई फ़ोटो अपने मोबाइल पर सेंड करना है तो यहाँ पे जो नोट है नोट एसएल इसको हम अपने फ़ोटो को ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैं जब इसमें ऐड कर दूंगा मैं तो अपने मोबाइल फ़ोन पे जाऊँगा तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकता हूँ। तो ये इसमें बहुत ही अच्छा और शानदार फीचर दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप किसी के मोबाइल पर आप कोई भी फ़ोटो कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से तो यहाँ पर नोट में जाएंगे और यहाँ पर अपना फाइल पर यहाँ पर प्लस वाले पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी फ़ोटो फाइल हो जो इस तरीके से सेलेक्ट करके इस तरीके से ओके कर देंगे, इस तरीके से यहाँ से आप फ़ोटो भेजिएगा किसी के मोबाइल पर भी तो बहुत ही आराम से जब भी कोई पर्सन नोट पैड में ओपन करेगा तो वो उसको जैसे हम लिंक भेजेंगे तो बहुत ही आराम से वो जो मैं फ़ोटो वगैरह भेजूंगा तो वो जो है बहुत ही आराम से जो मैं भेजा रहूंगा फ़ोटो या वीडियो ऑडियो बहुत ही आराम से वो देख सकता है। सो इस तरीके से आपको नोट टू सेल में जाना है और इस तरीके से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर जो भी फ़ोटो आप सेंड करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट या वीडियो ऑडियो इस तरीके से सेलेक्ट करके आपको ओपन कर देना है। ये ऑलरेडी यहाँ पर चल जाएगा। जब भी आप अपना मोबाइल या किसी के मोबाइल में अगर आप अपना वाला जो आईडी खोलिएगा तो वहाँ पर आप बहुत ही आसानी से जो भी फाइल या फ़ोटो ऑडियो आप अपने लैपटॉप से भेजे रहिएगा उसके डिवाइस पर या जब भी आप अपना वाला आईडी खोलिएगा तो वहाँ पर ये वाला जो आप भेजे रहिएगा वो मिल जाएगा। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।